हेलो स्टूडेंट्स, क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अग्निपथ के मैथ सिलेबस में हम लोग कुछ टॉपिक कंप्लीट करें। आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको डिनोट करते ITF से, हिंदी में बोलेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अभी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है कि हम लोग सभी जानते हैं, फिर से रिकॉल करते हैं इस पे इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन पे। उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इस तरह का इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन से ऑब्जेक्टिव कैसे आता है इस एग्जाम में। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है क्या। तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इसको पढ़ते हैं इनवर्स एक्स। ये हम लोग पढ़ चुके हैं भी, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स क्या कहलाता है, ITF क्या कहलाता है, ITF कहलाता है, मतलब इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। ये हो गया। अब इसी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन को इस तरीके से भी सिंबल करते हैं, जैसे देखो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को ऐसे भी लिख दिया जाता है, आर्क साइन एक्स इस तरह से लिखा हुआ, मतलब समझो क्या इनवर्स लिखा हुआ। अगर इसी पर कॉस इनवर्स एक्स है तो इसको क्या लिख देगा, आर्क कॉस एक्स लिख देगा। आर्क कॉस एक्स लिखा हुआ मतलब समझो कॉस इनवर्स लिखा हुआ। टैन इनवर्स एक्स को लिख देगा आर्क टैन एक्स लिख देगा। इसका मतलब समझो कि आर्क टैन एक्स मतलब क्या है ना, टैन इनवर्स। इसी प्रकार छः तीन और हो जाएगा। तो ये हम लोग समझ चुके हैं इनवर्स। और एक नोट में हम लोग यहाँ पे समझेंगे, बाई इजकल टू साइन एक्स ए दिया हुआ। अगर साइन को यहाँ पे ए क्या ना बाई एंगल नंबर का काम करता है, और यहाँ पे एक्स किसका काम करता है, एंगल का। साइन के बगल में एंगल होता है, बराबर में नंबर होता है। अगर साइन को इधर ले आए, साइन को इधर आ जाए, तो साइन इधर आएगा तो क्या में बदल जाएगा, इनवर्स में। साइन ही इधर आकर क्या में बदलता है, इनवर्स में, और ए रह जाता है एक्स। पॉइंट को समझो, बेसिक पॉइंट समझो, और उसके बाद हम लोग इस पर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव बहुत आसान लगेगा जब हम लोग इसको कंसेप्ट को समझ लेंगे। तो ए बाई को इधर लाएँ तो क्या में हो गया, इन साइन को इधर लाएँ तो इनवर्स में चेंज हो गया एक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं इनवर्स के बगल में क्या होता है, नंबर, और इक्वल में क्या होता है, एंगल। ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि इनवर्स के बगल में नंबर होता है, इक्वल में एंगल होता है। जब इनवर्स नहीं हो तो साइन के बगल में एंगल, इक्वल में नंबर होता है। ये पॉइंट हम लोग समझे। अब फॉर्मूला नंबर हम लोग फर्स्ट समझते हैं। फॉर्मूला समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं ITF का डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF। हिंदी में बोलेंगे ITF का प्रांत एवं परिसर। अब ITF का प्रांत एवं परिसर होता क्या, यहाँ एक कॉलम बना लेते हैं और ए लिख लेते हैं यहाँ पे ITF, मतलब इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ लिखते हैं डोमेन, डोमेन जिसको डिनोट करेंगे एक से, डोमेन का हिंदी हो जाएगा प्रांत, प्रांत, और ए हो जाएगा रेंज, रेंज जिसको हम लोग बाय से डिनोट कर देंगे। रेंज को यहाँ पे बोला जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, ए प्रिंसिपल वैल्यू जिसको हिंदी में बोलेंगे मुख मान, डिनोट करेंगे PV से, और ए रेंज मतलब परिसर, ए परिसर, ए कह देगा हम लोग को फाइंड करने के लिए। तो हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, तो जरा समझो, अगर ए बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, ए हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझना होगा, ए डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएगा, कह देगा बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, दे साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बताओ। तो साइन इनवर्स का डोमेन बताएंगे -1 से +1, वो भी कौन सा ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट में। और रेंज पूछ दे तो रेंज बताएंगे बाई बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, और ए रेंज बताएंगे किसका, साइन इनवर्स का। जब हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा डायरेक्ट साइन इनवर्स का डोमेन बताओ, तो -1 से +1, और रेंज बताओ -π/2 से +π/2। उसी प्रकार बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स का पूछ दिया जाए बताओ डोमेन, तो इसका डोमेन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू -1 से +1, और कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ी ब्रैकेट का यूज करेंगे। और रेंज पूछ दिया तो रेंज बताएंगे 0 से π, 0 से π, रेंज पूछे या प्रिंसिपल वैल्यू पूछे तो क्या बताएंगे, 0 से π। अब बाई बराबर ले लिया जाता है टैन इनवर्स एक्स, अब इसका डोमेन पूछे,
तो x बिलोंग्स टू a हो जाएगा माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट। और इसका रेंज पूछा जाए तो रेंज हम लोग बताएंगे माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा डोमेन एंड रेंज। अब देखो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x दे दिया गया, कॉट इनवर्स से इसका पूछ दिया गया, जरा बताओ डोमेन एंड रेंज। तो इसको भी बोलेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट। इसका रेंज क्या हो जाएगा जीरो से पाई, और भी किस ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में देंगे, छोटी ब्रैकेट में। अब बाई बराबर पूछ दिया जाए सेक इनवर्स x का डोमेन बताओ, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनाइट से माइनस वन, और यूनियन का सिंबल देंगे वन से कहाँ तक, इनफिनाइट तक। ये होता है सेक इनवर्स का डोमेन। y बिलोंग्स टू इसका रेंज पूछा जाए तो रेंज बताएंगे जीरो से पाई, जीरो से क्या पाई, बड़ी ब्रैकेट में माइनस माइनस नब्बे, नब्बे को मतलब जीरो और नब्बे के बीच हुआ, किसको छोड़कर, नब्बे को छोड़कर, जीरो और पाई, जीरो और पाई से लेकर नब्बे को क्या छोड़ देना, जीरो से 180 तक होगा, किसको छोड़कर, नब्बे को छोड़कर। ये रेंज हो गया किसका, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन ए हो गया और ए रेंज हो गया। अब बाई बराबर एक पूछ दिया जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स का बताओ डोमेन, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन पूछा जाएगा तो बताएंगे एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इनफिनाइट, ये बता देंगे। और इसका पूछा जाए जरा बता दो इसका रेंज, तो इसका रेंज पूछा जाए तो रेंज हम लोग बता देंगे क्या ना, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, किसको छोड़कर, तो जीरो को छोड़कर। ये हो गया रेंज। तो ये हम लोग को याद रखनी पड़ेगी डोमेन एंड रेंज, साथ में प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग को ये पूछ दिया जाए, तो ये आई टी एफ का इतना पॉइंट याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग समझते हैं आई टी एफ का फॉर्मूला प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट फॉर्मूला देखो साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स इक्वल टू होता है एक्स, कॉस इनवर्स इनटू कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, एक इनवर्स में और एक बिना इनवर्स में रहता है तो कैंसिल हो जाता। उसी प्रकार से टैन इनवर्स इनटू टैन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ना एक्स, इसी प्रकार छेब हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला अगर इस तरीके से हो साइन इनटू साइन इनवर्स एक्स तब भी क्या होगा एक्स, और कॉस इनटू कॉस इनवर्स एक्स क्या आएगा एक्स, और टैन इनटू टैन इनवर्स एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स। इनवर्स बाहर हो या इनवर्स अंदर हो दोनों सेम है, एक इनवर्स में एक बिना इनवर्स में, दोनों कैंसिल होगा और क्या आएगा एक्स। एक फॉर्मूला नंबर हुआ सेकेंड। फॉर्मूला नंबर थर्ड देखो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है ना पाई बाई टू होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स क्या होता है पाई बाई टू। इसी प्रकार से सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाता है ना, इसका भी फॉर्मूला होता है पाई बाई टू। और एक और टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाई टू। अब हमें लोग को याद रखनी पड़ेगी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू। इसी को ऐसे भी लिख सकते, कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव में ज़रूरत होगा, ये आज देखेंगे ऑब्जेक्टिव जब बताएंगे उसमें। साइन इनवर्स को हम लोग लिख सकते एक कॉस को इधर ले जाएंगे तो पाई बाई टू माइनस में कॉस इनवर्स एक्स, अगर साइन इनवर्स को कॉस में चेंज करने तो क्या कर देंगे पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, अगर कॉस इनवर्स को साइन में चेंज करनी हो तो क्या लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस में साइन इनवर्स एक्स, वो कैसे, इससे कॉस इनवर्स इधर ले गए। उसी प्रकार टैन इनवर्स को कॉट में चेंज करना है तो क्या लिख देंगे पाई बाई टू माइनस में कॉट इनवर्स एक्स। अब समझ में आ गया पॉइंट यहाँ पे। उसी प्रकार सेक इनवर्स का अब फॉर्मूला नंबर फोर आ जाओ, क्या ना टू टैन इनवर्स एक्स, तो टू टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स टू एक्स बटा में वन प्लस में एक्स स्क्वायर। फिर से देखो टू टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स
वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स टू एक्स बटा में वन माइनस में एक्स स्क्वायर ए। तो टू टेन इनवर्स का कितना फॉर्मूला होता है, तीन फॉर्मूला होता है, एक साइन में, एक कॉस में और एक टेन में, जो याद रखनी पड़ेगी। अब फॉर्मूला नंबर देखो फाइव, फॉर्मूला नंबर फाइव में क्या हो जाएगा ना, साइन इनवर्स एक्स अब प्लस में साइन इनवर्स, इसको ना फॉर्मूला नंबर अब फाइव में ए ले लो अभी, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है ना, माइनस में साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है ना, पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस में टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस में सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स तो क्या ना पाई सॉरी माइनस में सेक कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये ना आपको क्या ना फॉर्मूला नंबर फाइव ये याद रखनी पड़ेगी, ये याद है फिर भी रिपीट कर रहे हैं। और फॉर्मूला नंबर सिक्स देख लो, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का उल्टा क्या होता है ना, कॉसेक इनवर्स होता है, क्या होता है कॉसेक इनवर्स वन बाई एक्स। उसी प्रकार अगर पूछ दिया जाए कॉस इनवर्स एक्स बताओ, तो कॉस इनवर्स एक्स बताएंगे सेक इनवर्स वन बाई एक्स, यह बता देंगे। और पूछ दिया जाए टैन इनवर्स एक्स बताओ, तो क्या बताएंगे ना कॉट इनवर्स वन बाई एक्स ए। इस तरीके से हम लोग और भी बता सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स का, तो क्या आ जाएगा ना टैन इनवर्स वन बाई एक्स, इस तरीके से। तो हम लोग ये छः वो फॉर्मूला याद रखेंगे, और उसके बाद फॉर्मूला नंबर सात देखें। अब फॉर्मूला नंबर सात देखो, ये सारे फॉर्मूला हम लोग को ना याद रखना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को हम लोग बोल सकते हैं इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या ना प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। अब फॉर्मूला नंबर सेवन में क्या है ना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स रह गया, और सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स बाई रह गया, और इसका कह दिया ना साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस में बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर, ए फॉर्मूला होता है। अगला फॉर्मूला नंबर होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई बराबर, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस में बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस वाला भी यही फॉर्मूला होता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में, ए माइनस में होता है। फॉर्मूला नंबर आठ में देखो तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई, क्या होता है ना इसका फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा कब, जब कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई रहेगा तब। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस माइनस ओ वन माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में वन माइनस में बाई स्क्वायर, ए हो गया कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई का, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस। फॉर्मूला नंबर हम लोग नाइन देखेंगे टैन इनवर्स एक्स अब प्लस में टैन इनवर्स बाई, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स बाई का, टैन इनवर्स एक्स प्लस बाई बटा वन माइनस में एक्स बाई, टैन इनवर्स आई टी एफ ना ये बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, आपको कैलकुलस बनाने में बहुत यूज होता है, कैलकुलस में ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है,
कैलकुलस में भी ये सब इसी क्वेश्चन को कैलकुलस में दे दिया जाएगा, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। इसलिए ITF का ना अब फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलस के लिए भी और इस चैप्टर के लिए भी। तो इसके लिए तो हम लोग ITF का फॉर्मूला तो सभी को याद करनी पड़ेगी और 9 तक पूरा कॉन्फर्म होनी चाहिए याद, तभी आपका क्या ना कैलकुलस भी बना पाएंगे और इनवर्स भी बता पाएंगे। और चलो देखो अगला, टैन इनवर्स एक्स माइनस में टैन इनवर्स वाई रह गया, तो क्या लिख सकते हैं, टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा वन प्लस में एक्स वाई, ये लिख सकते हैं। तो इतना हम लोग को फॉर्मूला क्या ना इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन में याद करने पड़े, किसके लिए, कैलकुलस के लिए भी और इनवर्स के लिए भी। तो चलिए अब इस पे देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो, फर्स्ट ए दिया हुआ कॉस टैन इनवर्स 3/4, इसमें ऑप्शन बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी। तो इसको ना सॉल्व करने के लिए अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू क्या हो जाता है एक्स, जब दोनों सेम रहे तब। यहाँ पे कॉस है, यहाँ क्या टैन इनवर्स, एक इनवर्स में और एक बिना इनवर्स में, अगर दोनों सेम रहता तो कैंसिल हो जाता, इसमें ऑप्शन क्या लेते। तो इस टैन को बदल दो कॉस में, तो वो ना टैन को कॉस में बदलने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। तो ये टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ना, पी बाई एच, तब बी पी बाई बी, बी मतलब 4, एच निकालेंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा 5, तो एच फाइंड कर लेंगे, एच क्या आ जाएगा 5। अब इसको लिख दो कॉस कॉस इनवर्स, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है ना बी बाई एच, तब बी 4 और एच 5। अब कॉस इनवर्स कॉस इस फॉर्मूला से कैंसिल, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 4/5, तो 4/5 ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से रहेगा क्वेश्चन, तो हम लोग बना सकते हैं। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ना, कॉस साइन साइन इनटू कॉट इनवर्स, फिर वही दे दिया, यहाँ साइन है यहाँ क्या कॉट है, और इसमें करा ऑप्शन बताओ। अभी अभी तो हम लोग फॉर्मूला समझे हैं, साइन इनटू साइन इनवर्स एक्स इजकल टू क्या होता है ना एक्स, यहाँ साइन है यहाँ क्या कॉट है, अगर दोनों सेम हो जाए तो एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इस कॉट को किसे बदल दो, साइन में, तो कॉट को किसी भी इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक को अदर ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना है तो क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो कॉट का फॉर्मूला कुछ नहीं तो क्या है 1, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, सॉरी बी बाई पी, पी कितना 1 ए। अब एच निकालो, एच निकालने का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, और ए निकाल लिए। अब ए लिख दो साइन और साइन इनवर्स, तो इन साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी पी बाई एच, एच अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गया ना, कॉट इंटू टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इजकल टू क्या होगा, जरा फाट बताओ। तो हम लोग अभी तो फॉर्मूला ही पढ़े, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इजकल टू क्या होता है ना पाई बाई 2, तो इसमें ऑप्शन हम लोग अब बता सकते हैं, कॉट इनवर्स कॉट ए इसका वैल्यू क्या ना पाई बाई 2 होता है, और ए पाई बाई 2 लिख दी, तो कॉट 90 का वैल्यू क्या ना 0, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ना गिवन है, टैन इनवर्स 1/2 प्लस टैन इनवर्स 1/3, और करा इसमें से ऑप्शन क्या होगा ये बताओ। तो हम लोग ना अभी अभी फॉर्मूला समझे क्या ना, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई क्या पढ़े हम लोग, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस में एक्स वाई ए देखे। तो इस फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का, और ये फॉर्मूला यूज कर लो, तो इसमें बताओ ऑप्शन क्या होगा, खुद से कैलकुलेशन करो। तो इसको कैलकुलेशन क्या लेंगे, टैन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पे 1/2 और प्लस वाई के जगह पे 1/3 और 1 माइनस में एक्स इंटू बाई, एक्स इंटू बाई। अब इसको सॉल्व कर लो, तो टैन इनवर्स, तो एलसीएम कितना 6, तो आ जाएगा 3 प्लस में 2, और यहाँ भी एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 3 × 6, तो आ जाएगा 6 − 1, तो 6 कैंसिल, और ए मिल जाएगा टैन इनवर्स 3 × 5
और बटा में भी क्या आ जाएगा, 5 कट गया और ये आ गया टेन इनवर्स 1। अब टेन इनवर्स 1 तो टेन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है 45, तो 45 पर टेन है ना, तो टेन में देखो कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 45 का रेडियन कितना 45 डिग्री, पाई बाय 4, तो ए पाई बाय 4, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, टेन इनवर्स ए गिवन है और टेन इनवर्स और टेन ए गिवन है और करा है, इसमें से ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी। तो हम लोग टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाई इक्वल टू जानते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस बाई बाई वन प्लस एक्स बाई, ये होता है। अगर इसको बनाए तो हम लोग बनाया जा सकता है, तो जरा बनाओ तो क्या आएगा ना इसका, तो इसको देखे तो इस फॉर्मूला से मैच कर गया, वो कैसे, टेन इनवर्स इसको एक्स एक्स माइनस बाई 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 वन प्लस एक्स बाई वन प्लस एक्स बाई, नहीं मैच कर गया, यहाँ एक्स बाई है यहाँ क्या है ए बी, इतना इजकल टू इतना होता है, इतना इजकल टू इतना हो ही सकता है, तो क्या ना इसको लिख सकते हैं ऐसे, टेन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पे क्या काम कर रहा है ए, फिर माइनस टेन इनवर्स बाई बाई के जगह पे क्या बी, ए लिख दे प्लस, फिर ये देखे तो फिर मैच कर गया, तो क्या लिख सकते टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी, फिर ए देखे तो फिर मैच कर गया, तो क्या लिख सकते टेन इनवर्स सी और माइनस में टेन इनवर्स ए लिख सकते, तो ये देखो तो प्लस में ए माइनस ए, माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, कैंसिल हो गया, क्या आ गया रिजल्ट 0, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे ए दिया हुआ, और इसमें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, इसको सॉल्व कीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा जरा बताओ, बताओ कोई ऑप्शन क्या होगा, तो इसका ऑप्शन बताना क्या ना, सिंपल तो है सर, सेक इनवर्स एक्स और प्लस में कॉस सेक इनवर्स एक्स क्या होता है ना पाई बाय 2, ये हम लोग प्रॉपर्टी अभी इनवर्स में पढ़े, इसको लिख दो कॉस, इसका रिजल्ट क्या पाई बाय 2, और ये लिख दिए तो कॉस पाई बाय 2 मतलब 90, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है ना 0, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ना, ए दिया और करा इसके इक्वल टू क्या ना 2 टेन में थे, एक्स का मान बता, एक्स का वैल्यू इसमें कौन होगा, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन होगा ए पूछ रहा है, तो ये ना ऑप्शन पूछ रहा है, तो हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं क्या होगा ऑप्शन, तेरा टैन इन कोसाइन इनवर्स, तो हम लोग यहाँ पे अभी के क्लास में पढ़े हैं टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, फिर पढ़े कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखा जाए तो मैच कर गया साइन इनवर्स इससे मैच कर गया, यहाँ एक्स है यहाँ क्या है ए है, इतना इजकल टू इतना, इतना इजकल टू इतना लिख ही सकते हैं, तो 2 टेन इनवर्स एक्स के जगह पे क्या लिख देंगे ए, अब ए देखे तो ए मैच कर गया, यहाँ एक्स है यहाँ बी है, तो लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स क्या ना बी, और ए हो गया, और ए रह जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स, दो दो कॉमन है, दो कॉमन ले लो तो मिल जाएगा टेन इनवर्स ए और टेन इनवर्स बी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स और 2, तो 2 2 क्या ना कैंसिल, तो टेन इनवर्स ए टेन इनवर्स बी फॉर्मूला यूज कर दो, टेन इनवर्स ए प्लस बी बाई 1 माइनस में ए बी, ए ना फॉर्मूला अभी हम लोग समझे हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई का, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई बाई 1 माइनस एक्स बाई, एक्स और बाई के जगह पे क्या है ए बी है, और ए रह जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा ए प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी इक्वल टू एक्स, इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ना, कॉट इनवर्स माइनस 1 दे, कह रहा कॉट इनवर्स माइनस 1 का प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, तो कॉट इनवर्स माइनस 1 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने से पहले हम लोग यह समझ सकते हैं कॉट इनवर्स माइनस 6, तो कॉट इनवर्स माइनस 6 का क्या फॉर्मूला पढ़े पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स, तो ये ना निगेटिव में है तो इसको पहले पॉजिटिव बनाओ, तो हो जाएगा पाई माइनस में कॉट इनवर्स और माइनस 1 की जगह पे क्या लिख देंगे प्लस 1 ए फॉर्मूला से, और ये हो जाएगा पाई माइनस
कॉट है ना, तो कॉट कितना डिग्री का वैल्यू वन होता है, 45, तो 45 लिख देंगे, 45 कॉट 45 डिग्री का वैल्यू वन होता है तो ये 45 डिग्री लिख देंगे। एलसीएम लो 4, तो 4 और माइनस वन तो क्या आएगा 3π, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। जैसे एक और एग्जांपल में समझो कि साइन इनवर्स 1/2 दे दिया और इसका कह दिया प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, तो प्रिंसिपल वैल्यू बताना सिंपल है, साइन है ना तो साइन ढूंढो कितना डिग्री का वैल्यू होता है 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का रेडियन क्या होता है ना पाई बाई 6, यही हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पे पूछ दे कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस है ना तो कॉस ढूंढो कितना डिग्री का वैल्यू होता है 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा इसका रेडियन पाई बाई 3, 60 डिग्री का रेडियन क्या होता है पाई बाई 3। अगर टेन इनवर्स 1 रह गया तो ढूंढो टेन है तो कितना डिग्री का मान 1 होता है 45 डिग्री, 45 का रेडियन पाई बाई 4। अगर यहाँ पे सेक इनवर्स 2 रह गया तो सेक इनवर्स 2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है तो ढूंढो सेक है तो सेक कितना डिग्री का वैल्यू 2 होता है, तो ये आपका 60 डिग्री का रेडियन 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का रेडियन क्या होता है ना पाई बाई 3 होता है, ये हो जाएगा इस सबका क्या प्रिंसिपल वैल्यू। अगर निगेटिव में आ जाए यही चीज साइन इनवर्स और माइनस में 1/2, अभी पॉजिटिव में था तो डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू बता दिए, अब इन निगेटिव में आ गया, निगेटिव में आ गया तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू पहले हम लोग पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस में साइन इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा माइनस में साइन इनवर्स हाफ, ए लिख दी, अब ए रह जाएगा माइनस, साइन है तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री, 30 डिग्री का रेडियन क्या होता है पाई बाय 6, माइनस में पाई बाय 6। तो हम लोग समझ गए पॉजिटिव है तो डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू बताया जा सकता है, निगेटिव है तो पहले पॉजिटिव बनाओ ए प्रॉपर्टीज यूज करके और फिर इसका वैल्यू दे दो, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ना साइन इनवर्स ए गिवन और इसका कहा जा रहा प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, इसका प्रिंसिपल निगेटिव आ गया ना तो पहले पॉजिटिव बनाओ, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस में साइन इनवर्स एक्स होता है, और ए निगेटिव से पहले क्या बना ले पॉजिटिव और ए माइनस को रहने दो, ढूंढो साइन है तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू रूट 3/2 होता है, तो 60 डिग्री का रेडियन क्या होता है ना पाई बाय 3, इस तरीके से हम लोग ऑप्शन नंबर मान लेंगे क्या बी। तो इस तरीके से हम लोग को क्या ना इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन होगा एग्जाम में तो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पहले इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी जिसको फॉर्मूला बोलते हैं फॉर्मूला अच्छे से कंप्लीट करो और फिर इसका ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करो। तो आज की क्लास इतना ही था स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते अगले टॉपिक में, आज की क्लास इतना ही।